मुझे उम्मीद है कि आप ब्लैंक पेपर और पेन पेंसिल या कलर्स लेकर आए होंगे और हम कुछ कुछ बनाते भी रहेंगे, मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे जो हमारा नेचर है और स्किल्स है उनको हम बढ़ा सकते हैं, उनको हम नर्चर कर सकते हैं। तो भैया जो पीपीटी थी उसको हम ओपन कर लेते हैं और एक कहानी से शुरुआत करते हैं आपके सेशन की। पीपीटी शेयर करेंगे ना वहां से आप? पीपीटी सर मैंने शेयर कर दी थी भैया के साथ। अमित सर रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं भैया, नेक्स्ट जो स्लाइड है ये है ह्यून सैंग। हम इन्हीं की कहानी से आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। किसी को मालूम है ह्यून सैंग कौन थे, क्या किया इन्होंने, किस लिए ये फेमस है? कोई अगर हैंड रेज करे अगर और बताना चाहे कि कौन थे ये ह्यून सैंग, पढ़ा होगा मेरे ख्याल से अपनी कॉपी बुक में हिस्ट्री की। समीर त्रिवेदी एक हाथ रेज्ड है, चाइनीज स्कॉलर थे भी है। बट इन्होंने किया क्या? ट्रैवलर एक ने लिखा हुआ है। हाँ, एक एंड इंडियन हिस्ट्री को जाना। अच्छा, चैट पे भी आ रहे हैं, मैं चैट भी इधर देखता रहता हूँ क्योंकि चैट पे भी कुछ लोग, चाइनीज ट्रैवलर इंडियन हिस्ट्री को जाना। हाँ सही है कि एक चाइनीज चीनी यात्री थे और इंडिया आए हुए थे, लेकिन इनका जो कहानी है वो थोड़ी सी जानते हैं। तो हुआ क्या कि लगभग 600-700 AD की बात है, यानी कि आज से 1300 साल पहले की, एक दिन इनको ऐसा ख्याल आया कि यू नो स्किल्स बहुत कम है मेरे पास और इंडिया चलते हैं, क्योंकि इंडिया उस वक्त एक एजुकेशन हब था, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा तक्षशिला यहाँ पे इंडिया में हुआ करती थी और दूर दूर के देश के जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो यहाँ पर आया करते थे। अब वो जो उनको इस, हाँ अभी भैया इसी पे रखना है। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने ऐसा सोचा कि चलते हैं इंडिया और कुछ सीख कर आते हैं, कुछ पढ़ के आते हैं, उस वक्त चाइना में लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो इनको एक युद्ध में, नो नो जब युद्ध चल रहा होता है तो किसी का माइक ऑन है, माइक वो म्यूट कर ले। तो जब युद्ध चल रहा होता है तो सारे युद्ध बॉर्डर पे होते हैं और बॉर्डर की तो खास निगरानी की जाती है और उनको सील कर दिया जाता है, और इसीलिए क्या होता है कि जब वो गुजर रहे थे बॉर्डर से तो उनको रोक दिया गया, तो फिर वो जंगलों से होके आने लगे और इधर उधर गए, बर्फीले, जो तिब्बत तक जब पहुंचे तो बर्फीले पहाड़ आ गए वहां पे, पूरा जो बर्फ में ही ढका हुआ है। फिर ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के जो समरकंद का जो पूरा रेगिस्तान है उसको इन्होंने पार किया, पाकिस्तान में जो खैबर दर्रा है उसको इन्होंने पार किया, और फिर किसी तरीके से ये लगभग 3-4 साल की यात्रा करके इंडिया पहुंचे। इंडिया में भी इन्होंने नालंदा में एडमिशन लिया, पढ़ाया भी वहां पे, और जब ये जाने लगे है ना, लगभग 17 साल ये इनकी पूरी यात्रा थी, जब ये वापस जाने लगे तो इंडिया से जो कुछ चाइना के बच्चे पढ़ने आए थे इंडिया में वो भी इनके साथ जाने लगे, क्योंकि ये बहुत, इतने साल पढ़ाई की इन्होंने तो ये बहुत बड़े धर्मगुरु और बहुत बड़े स्कॉलर बन चुके थे। जब ये जाने लगे तो इनके साथ, कहा जाता है, ऐसा कहानी है कि 20-21 जो युवा थे वो इनके साथ जाने लगे कि हम, ये हमारे गुरु होंगे और हम इन्हीं से आगे अपने जीवन में सीखेंगे। और ना इन्होंने क्या किया कि किताब इन्होंने, क्योंकि उस वक्त किताबों की बहुत कमी होती थी और हाथ से लिखी जाती थी, तो इन्होंने बहुत सारी किताबें अपनी यात्राओं में, पूरे इंडिया में इन्होंने ट्रैवल किया और बहुत सारी किताबें इन्होंने जमा की, और किताबों को जमा करके ये नाव में जा रहे थे, है ना। तो नाव में जब जा रहे थे तो ये थे, किताबें ढेर सारी थी और बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स जो बन गए थे वो थे। अब जैसे ही ये जाने लगे कहीं पे एक तूफान आ गया है ना नदी में, और उस वक्त ये एक सिचुएशन खड़ी हुई कि या तो किताबों को फेंक दिया जाए है ना, तब ये नाव बच सकती है, वरना ये नाव
डूब जाएगी, ठीक है। तो जो इनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि किताबों को रहने दीजिए और हम कूद जाते हैं नदी में, और फिर वो एक एक करके जैसे जैसे उनको लगता था कि अच्छा एक कूदा अभी भी डूब जाएगी, फिर दूसरा कूदा उनको लगा अभी भी डूब जाएगा, ऐसे करते 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 सारे जो उनके स्टूडेंट्स थे वो उस नदी में, तूफान वाली नदी में कूद गए। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम डूब जाएंगे तो सिर्फ मेरे परिवार का नुकसान होगा, बाकी किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये किताबें डूब जाती हैं तो पूरा जो हमारा देश है चाइना उसका नुकसान होगा, क्योंकि इतनी जो नॉलेज है और जो इतने वर्षों का नॉलेज को कलेक्ट किया गया है वो डूब जाएगी, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड कुछ साल बाद, एक एजम्पशन है, यहां तक की कहानी सत्य थी, अब थोड़ी सी काल्पनिक कहानी में चलते हैं कि ह्यून सैंग को एक आदमी मिले जब वो अपने आश्रम में या जहां पर भी वो रहते हो वो रह रहे हो, और उनसे कोई कहे कि इतनी जो आपने मेहनत की 17 साल की और आप एकदम खतरनाक जंगलों से गुजरे, लड़ाई को आपने झेला, बीमारियां हो सकती थी, आपने ऐसे ऐसे जगहों पे गए जहां कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती थी, और फिर आपने इतने साल ट्रैवल किया, है ना, एक टाइम आएगा आज से 1200-1300 साल बाद जब कोई भी इंसान कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश जा सकता है, या फिर उसके एक क्लिक पे उसके पास सारी दुनिया की नॉलेज होगी जो आपने 17 साल घूम घूम के, पैदल घूम घूम के 100-200 ही किताबें जमा कर पाए हैं। एक टाइम आएगा कि जब बच्चे बच्चे के पास मोबाइल होगा और वो एक क्लिक करेगा और गूगल करेगा और उसको कोई भी नॉलेज मिल सकती है, वो तुरंत सीख सकता है, 3 महीने के अंदर वो अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोर्स करना चाहे तो 6 महीने का कोर्स कर सकता है। तो मतलब मैं जब ये सोचता हूँ कि ह्यून सैंग को क्या लगा होगा कि आज से 1200 साल बाद इंसान कितना कुछ सीखेगा, है ना, कितनी सारी स्किल्स वो, ऐसा एक टाइम हो सकता है कि वो हर एक हफ्ते के बाद एक नई स्किल सीखे, हर 3 महीने के बाद वो कुछ नया सीख जाए और कुछ नया सिखाए, है ना। बट अगर रियलिटी देखे तो शायद वो स्किल हम नहीं सीखते हैं, या अगर जो हमारे पास एक्सेस भी है तो हम उसका उस तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, है ना, और उसके काफी सारे कारण हैं जिसको आज हम देखेंगे भी कि क्या कारण है कि वो स्किल्स जो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, हमारे साथ बहुत सारा इंटरनेट है, एटलीस्ट जो यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं, उनके पास तो इंटरनेट है, उनके पास मोबाइल और लैपटॉप है, मैं मतलब सबके लिए नहीं कह सकता, बट इन लोगों के पास तो है जो आज की मीटिंग में है। तो कैसे ये स्किल को हम नर्चर करें, कैसे इस स्किल को हम बढ़ाएं, इसके ऊपर आज का जो पूरा सेशन है ये प्लान किया गया है। नेक्स्ट अगर इमेज पे भैया चलें, अमित भैया नेक्स्ट इमेज पे चल सकते हैं हम लोग, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। अभी मतलब ऐसा ज्ञान तो दे ही सकते हैं कि ऐसा करो, है ना, और ये करना चाहिए और स्किल आ जाएगी, बट एक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या अगले 10 मिनट के अंदर हमारे अंदर एक स्किल आ सकती है, है ना। तो यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि वो कार्टून ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके के कार्टून्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके के, कितने लोगों को लगता है वो यस या नो लिख सकते हैं। और एक स्लाइड और आगे जाएंगे भैया, थोड़ा अगर प्रैक्टिस करें तो ऐसे कार्टून्स भी बन सकते हैं, थोड़ा अगर कलर करने की जरूरत हो तो नेक्स्ट पे अगर जाएं तो कलर भी हम इसमें कर सकते हैं। तो कितने लोगों को लगता है, इससे पहले वाली स्लाइड पे चले जाएंगे भैया जो सबसे पहला कार्टून वाला था, सवाल है कितने लोगों को लगता है कि वो कार्टून्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कई सारे लोग लिख रहे हैं यस 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 या बिल्कुल, तो मतलब यस आई कैन डू, आलोक कुमार लिख रहे हैं, आलोक ने लिखा है, दीक्षा ने लिखा है, मोहित, अजय एंड मैनी पीपल आर रिटन की राइटिंग की यस, बिल्कुल। और कितने लोगों को लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं, ये तो यस वाले हो गए, कितने लोगों को लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं, जिसने लिखा है नो, शिवांश लिख रहे हैं नो, मृत्युंजय तिवारी ने भी नो में आंसर दिया है, सनातन मिश्रा भी नहीं लिख रहे हैं, ये कोई रेडमी 8 करके हैं उन्होंने यस लिखा है,
तो मतलब कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो बना सकते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नहीं बना सकते हैं, तो हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कार्टून की स्किल को, जिन्होंने यस लिखा है वो तो बना ही सकते हैं, बट जिन्होंने नो लिखा है और जिन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है वो भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि 80 लोग हैं और मेरे ख्याल से अभी 20-25 ही रिस्पॉन्स आए हैं, तो ऐसा अजम्पशन है कि जिन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया है वो भी नो या मे बी की कैटेगरी में होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी बंद कर सकते हैं भैया शेयरिंग को, और आप अपने जो पेपर है और पेंसिल है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इस कार्टून ड्राइंग के स्किल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या स्किल, जिनका नो है क्या ये स्किल आ सकता है, और जिनको आता है वो भी वो स्टेप्स को देख सकते हैं कि कैसे वो स्किल, हो सकता है कि उन्होंने बचपन से प्रैक्टिस की हो बट वो स्टेप्स नहीं पता है कि कोई भी स्किल आती है तो उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ट्राइपॉड को पास में लाऊंगा, तो हम बहुत बहुत बेसिक इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये जो डायग्राम्स हैं, ये वाला जो डायग्राम है ये थोड़ी सी प्रैक्टिस लेगा, बट ये इसको पहले डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम ये बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी के पास अपने पेपर ले लिया होगा और अपना जो पेंसिल है वो ले लिया होगा। अभी सिर्फ दो ही इंस्ट्रक्शंस हैं, एक कि ट्राई कीजिए और दूसरा कि आप फ्री हैंड रखिए। फ्री हैंड का मतलब कि आप अगर ऐसे चलाएंगे तो ये फ्री हैंड है, लेकिन अगर आप ऐसे रोक के चलाएंगे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट सी बना लूं, ठीक है, तो वो फ्री हैंड नहीं है। आपको कुछ भी बनाना है आप एक एक गो में बना लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो दो ही इंस्ट्रक्शन से, एक ट्राई कीजिए और दूसरा कि फ्री हैंड रखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक ठीक है, तो सबसे पहले एक इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहला इस तरह। इसके बाद और कुछ नहीं करना है, बहुत इसको रोक के नहीं चलाना है, एक बार में बस हमें एक बड़ा सा सी बनाना है। अगले स्टेप में हम एक सिक्स बना सकते हैं, ठीक है, एक सिक्स, फिर एक और सिक्स बना लेते हैं फ्री हैंड। इसको थोड़ा सा और आगे करता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सही दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये बन गया, ठीक है, इतना बन गया होगा। अभी ये बना लेते हैं, कान बना लेते हैं, ठीक है, नाक बना लिया, आंखें बना ली, कान बना लिया, एक मुंह बना लेते हैं, ठीक है। मुंह बनाने के बाद इसके थोड़े बाल बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई होप कि आप साथ में कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो आप बता दीजिएगा, थोड़ी स्पीड धीमे कर लेंगे, ठीक है। एक यहां से, ठीक है, पहला स्टेप एक कान के पास से, दूसरा स्टेप गला, तीसरा स्टेप, ठीक है, ये हमारा एक पहला एक कार्टून बन गया, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, छोटा सा ट्राई करते हैं इस साइड में। अभी इसका स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या था, नाक बनाने का, ठीक है। हम नाक ऐसे बना लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि वो फिर बाहर चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक नाक बना लेते हैं, ठीक है, बहुत फ्री हैंड बनाना है उसको, बहुत ऐसा परफेक्ट अभी बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा हम एक आंखें बना लेते हैं, ठीक है, इसमें बीच में आंखों में दो डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है। फिर से मुंह ऐसा ही रख लेते हैं, अभी कान, इसके बाद बाल बनाते हैं, ठीक है,
फिर जब इतना बन गया, फिर से यहां से कान के पास से, अब की बार जो गर्दन है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं सर्कल की जगह, ठीक है, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। अभी कितने लोगों का ये बन रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये बन गया हो? तीन चार बन गया। मी मनो ने कहा है बन फॉर्म, कई लोगों ने बना लिया, बहुत अच्छे, कई लोगों ने ट्राई किया और बना लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या ये और इसमें क्या वेरिएशन कर सकते हैं। नाक बना लेते हैं, ठीक है, आंखें फिर से वैसे ही बना लेते हैं, अब की बार थोड़ा मुंह में चेंज करते हैं, ठीक है। मुंह में चेंज करने का मतलब हम ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा गोला, और अभी पहली बार आप अगर बना रहे होंगे, अगर आपको पहले से ऐसा लगता हो कि आप कार्टून नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो हो सकता है कि लाइनें कभी इधर उधर जाती होंगी, कुछ बड़ा बन जाता होगा, कुछ छोटा बन जाता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि अभी ये स्किल्स हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो स्किल है नहीं, ठीक है। इतना बन गया, आंखें नाक, हम फिर से कान बना सकते हैं, अब की बार बाल थोड़े से घुंघराले हो सकते हैं, ठीक है, फिर से। तो एक और हमारे पास कार्टून कैरेक्टर यहाँ पे बन गया, ठीक है। इसमें हम छोटा छोटा अगर चेंज करते चले जाए, कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, बट अगर आप स्टेप समझ गए हो, है ना, अगर आप स्टेप समझ गए हो तो फिर आप चेंज करते 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 नया बना सकते हो। अभी तक हमने कैसी आंखें बनाई है, या तो सिक्स बना दिया है, है ना, या हमने ऐसे चिपका के आंखें बनाई है, आप अलग अलग कर दो, आप ऐसा बना लो, नाक हम मान लेते हैं ऐसा बना देते हैं, आंखें हम थोड़ी दूर दूर कर देते हैं, आपकी बात है ना, आंखें दूर दूर हो गई हैं, मुंह गोल बनाया था, मुंह थोड़ा ऐसा बना देते हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल में आधा भर देते हैं, ठीक है। बाल अगर हमें बनाने तो हम ऐसा बना सकते हैं, अगर हमें मान लीजिए मुंह बनाना है तो हम ऐसा बना सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं, तो ये एक अलग तरीके का बन गया कि इसमें कुछ अलग है, आंख अलग दूर दूर है, जो मुंह है वो थोड़ा सा अलग शेप का है। तो कार्टून बनाना कैसा है कि सिर्फ एक स्टेप है, अगर वो आपको स्टेप पता चल जाए कि अच्छा पहले ये बनाओ, फिर 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 ये बनाओ, तो वो 8-9 स्टेप्स अगर आपको पता चल गए तो फिर आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। आप फेस एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो, है ना, अगर इसको आपने ऐसे रख लिया तो आप इसका फेस एक्सप्रेशन ऐसा रख सकते हो, आप इसका फेस एक्सप्रेशन ऐसा रख सकते हो, ठीक है, तो वो फेस एक्सप्रेशन चेंज होता चला जाएगा। आप बाल चेंज कर सकते हो, इसके बाल हम ऐसा रख दें, ठीक है, इसके बाल हम ऐसा रख दें, ठीक है। तो कुछ कुछ चेंजेस कर करके आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर से तीसरे कैरेक्टर तक पहुंच सकते हो। और अब अगर आप इस इमेज को देख रहे होगे, अब अगर आप इस इमेज को देख रहे होगे, इससे पहले हो सकता है कि आपको वो स्टेप्स नहीं दिख रहे होंगे, आपको इमेज दिख रही होगी, लेकिन अब आपको वो स्टेप्स भी दिख रहे होंगे कि अच्छा ये नाक ऐसी बनी है, आंखें ऐसी बनी है, अच्छा ये बाल ऐसे हैं, है ना, अच्छा ये मुंह है और ये गर्दन है, है ना, इसके गर्दन में ऐसा थोड़ा सा फर्क है, है ना। अगर हम इसको भी देखें, अभी ये देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन स्टेप्स वही है कि वही, अगर हम इस इमेज को देखें तो वही नाक बनी हुई है, वही आंखें हैं, वही मुंह है, वही गर्दन है, वही कान है, वही नीचे से ऐसे मोड़ा है, बस क्या चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसको टोपी पहना दिया और ये जो गर्दन बनी थी उसमें स्केच कर दिया है। तो ये जो देख के थोड़ा सा टफ लग रहा था, ये भी क्या हो गया है, आसान हो गया है। इसमें भी अगर हम देखें तो इसके भी अगर बालों को देखें तो क्या किया है, बाकी सब वही है, नाक है, आंखें हैं, जो मुंह है ना, इसके एक शर्ट में बस थोड़ा सा एक लाइन अलग खींच दी है, इसके बाल का जो स्टाइल है वो अलग कर दिया, ये लड़की बनाई है तो बाकी सब वही, आंख, नाक, मुंह, गर्दन, लेकिन बस इसके बालों में क्या कर दिया है, बस थोड़ा सा उसको टच दे दिया है एक हेयर बैंड का, तो वो हो गया है। तो
कार्टून ड्राइंग क्या है या आर्ट या कुछ भी, इवन साइंस भी है ना, क्या है, अगर आपको वो तरीके पता हो कि वो तरीके क्या हो सकते हैं, फिर इजी हो जाता है। एक आखिरी ड्राइंग बनाते हैं सारे लोग और फिर हम अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें नाक वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है, आप साथ साथ बनाते रहना, मैं इसको थोड़ा सा धीमे बनाऊंगा। आंखें थोड़ी सी दूर बना लेते हैं या आंखें ऐसी ऐसी बना लेते हैं, ठीक है, आंखें ऐसी बना लेते हैं, ठीक। अभी ये आंखों से अगर इसको चश्मा बनाना है, अभी तो ये आंखें बन रही हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसको ऐसा कर दें तो ये थोड़ा सा चश्मा बन गया, ठीक है। फिर जरूरी नहीं कि हम सबका मुंह बनाए, मूंछ हो सकती है, तो ये मूंछ बन गई, आड़ी से अच्छी लकीर है, ठीक है। यहां कान बना दिया हमने, अब चश्मा है तो उसका ये भी यहां तक जाएगा, ठीक है, तो ये चश्मे का कुछ कुछ फील आ गया। अब बड़ा मजेदार जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ये, अगर आप कर रहे हैं तो साथ में करिएगा, आपको भी मजा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बन गया और बस फिर वही स्टेप है, गर्दन और ये बन गया, ठीक है। हम इसी तरीके से दूसरी चीजें भी बना सकते हैं, और कार्टून ड्राइंग एक ऐसी स्किल है जो बड़ी आसानी से सीखी जा सकती है, ठीक है। आंखें बना ली, अब की बार इसकी मूंछ ऐसी बनाई थी, इसकी बार थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट कर देते हैं मूंछ, है ना, जरूरी थोड़ी कि हमारे पास मुंह ही बनाए, हम मूंछ बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर इसके बालों को बनाना है तो हम ऐसे ऐसे बाले ऐसे बाल बना दें जैसे हमने सबसे पहले वाले इमेज का बाल बनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद तो फिर अब आई गेस कि आपको स्टेप्स पता चल गए होंगे कि क्या करना होगा, एक लकीर यहां से, एक लकीर यहां से, और ये बन गया। ये थोड़े थोड़े आइंस्टीन कह सकते हैं कि आइंस्टीन को हमने बना लिया, है ना। तो कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था कि अगर हमें वो स्टेप्स पता चल जाएं, ये तो कार्टून ड्राइंग है बट आर्ट में भी बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लोग बनाते हैं, एकदम किसी की शक्ल भी एकदम एग्जैक्ट बना देते हैं, बट अगर हमें बेसिक्स भी आते हैं, है ना, अगर हमें कार्टून ड्राइंग सीखनी है तो वो उसका अपना एक स्किल सेट है। और आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने जरूर ट्राई किया होगा, जिन्होंने नो बोला होगा, और अगर कुछ लोगों का देख सके, कुछ लोग दिखाना चाहेंगे क्या अपनी ड्राइंग की उन्होंने कैसे बनाया है, एक दो लोगों को हम देख सकते हैं, कई लोगों थोड़ा को विश्वास पास नहीं हो रहा है कि उन्होंने बना लिया। ये कोई अगर एक दो लोग, हाँ कई लोग दिखा रहे हैं, आप देखिए उस पे स्क्रीन पे, अच्छा मैं उस पे देखता हूँ, लैपटॉप पे। ये कोई एडमिन करके कौन आ रहा है, हमें लगता है गोविंद सर हैं क्या? हाँ सर। वाह गोविंद सर ने देखिए कितने सुंदर सी ड्राइंग बनाई है, वाह बिल्कुल काफी सर, आप तो हमें लगता है पहले से परफेक्ट हैं। वर्धा में I never got more than B grade in drawing. Thank you, Abhishek. काफी सही सही बना है। ये न्यूटन काफी सही सही बना है। न्यूटन न्यूटन भी दिखा रहे हैं देखिए अपनी कॉपी में, न्यूटन ने भी काफी अच्छी बिल्कुल। तो आप यकीन रखो कि आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप ये ड्राइंग भी, मतलब अब आपको ये देख के इसका समझ में आ गया होगा कि इस ड्राइंग में भी क्या हो रहा होगा, ये बहुत टफ ड्राइंग नहीं है। ऐसा देख के पहले लगा होगा कि बहुत ऐसे कुछ खतरनाक ड्राइंग होगी और कार्टून ड्राइंग कौन ही कर सकता है, बट कहने का ये मतलब था कि अगर एक घंटा सिर्फ इस पे बात करते कि स्किल्स सीखने चाहिए और स्किल्स कैसे सीख सकते हैं तो शायद मुश्किल होता, बट अभी हमने कुछ लोगों ने, हम में से कुछ लोगों ने 10 मिनट के अंदर वो स्किल्स सीख लिया, कि एक स्किल तो हमने कम से कम सीख लिया कि हम थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे
और टोपी बनानी होगी तो टोपी बना लेंगे, है ना, पगड़ी बनानी होगी तो पगड़ी बना, किसी को टाई पहनानी होगी तो टाई पहना लेंगे। तो आसान है, स्किल्स को सीखना आसान है। अगर हम 10 मिनट के अंदर एक चीज सीख सकते हैं तो फिर दूसरी स्किल्स भी सीख सकते हैं। भैया फिर से वो स्लाइड पे अगर हम चलें तो अब दूसरी चीजों पे चलते हैं कि एक तो हो गया स्किल के बारे में, एक और जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर, है ना, कि हम नेचर के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं अब, क्योंकि हमने एक स्किल सीख ली या देख लिया कि पॉसिबल है सीखना, तो अब देखते हैं कि क्यों हमें नई स्किल्स को सीखना चाहिए, है ना। सीख लिया है, अब देखते हैं कि इससे फायदा क्या है सीखने का। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो सबसे पहले तो ये होता है कि अरे ये मैंने कर लिया, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना कि मैंने कुछ नई चीज सीख ली, मैंने गिटार बजाना सीख लिया। या बचपन में जब साइकिल भी चलाना सीखना होता था ना, तो क्या होता था कि घर पे सब सो रहे हैं और हम साइकिल लेके निकल लेते थे कि साइकिल चलाना है, या अपने पास नहीं है तो दोस्त की साइकिल मांगते थे कि अरे दे दो थोड़ी देर के लिए, या गाड़ी अगर सीखनी है तो मांगते हैं। और जब सीख लेते हैं तो वो एक मजा आता है कि अरे ये मैंने कर लिया, एक कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ग्रोथ होती है कि हमने कुछ सीख लिया तो अब जो हम पहले थे उससे अब हम बेहतर हो गए हैं। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि ज्यादा अगर स्किल को अपना टैलेंट अगर उसके अंदर बहुत अच्छा है तो वो उसको उससे पैसे भी कमा सकता है। तो कोई भी स्किल से फाइनेंशियल गेन हो सकता है। लर्निंग स्पीड इंक्रीज होती है, यानी कि हमारे जो सीखने की क्षमता है, गति है, वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? पहले अपने ऊपर डाउट रहता है कि अरे ड्राइंग या कार्टून तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 3 महीने दे करके ड्राइंग सीख लें तो फिर जब अगली चीज आती है तो हमें लगता है कि अरे जब वो चीज हमने सीख ली थी तो ये चीज तो सीख ही लेंगे। तो उसको सीखने के लिए, क्योंकि हम पहले से ही रेडी होते हैं और हमारा माइंडसेट चेंज हो चुका होता है, तो हमारे सीखने की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। हमारे पास क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। क्रिएटिव आइडियाज अभी आजकल और मैंने भी ये ड्राइंग्स बहुत रिसेंट में शुरू किया है, 2 मई से ही मैंने शुरू किया है। तो ये मतलब ऐसा मेरा बचपन से कुछ नहीं था, मैंने भी अभी कुछ 20 दिन पहले ही सीखा है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ और ड्राइंग्स मैं बना लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ड्राइंग्स और साइंस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ कि जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, उनके साथ ये ड्राइंग्स कैसे बनाई जा सके, है ना। तो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है कि अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होगा, है ना। कनेक्शंस हो सकते हैं स्किल एरिया, ये वही वाला पॉइंट था कि आर्ट और साइंस को जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कंबाइन किया, और सिर्फ पिछले 5 वीडियोस में, ऐसा नहीं कि 100 वीडियोस आपको मिलेंगे, सिर्फ पिछले 5 वीडियोस ही ऐसे हैं और जिसमें सबसे पहला देखेंगे तो वो सबसे बुरा था, लेकिन जो अभी हाल वाला है तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है, है ना। तो कनेक्शंस बैठा सकते हैं कि अगर आपने एक चीज सीखी और दूसरी चीज सीखी या तीसरी चीज सीखी तो आप तीनों चीजों को मिला करके कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं, उनमें कुछ नया निकाल सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा रिज्यूमे बिल्डिंग में तो काम आता ही है कि आप ज्यादातर लोग लिखते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, बट अगर उसके जगह पे आप कोई स्किल के बारे में लिखेंगे, क्योंकि क्रिकेट तो हर कोई खेलता है पर जो मैदान में खेलता है उसके पास स्किल है, और जिसके पास, जो ऐसे ही खेलता है उसके पास उस लेवल की स्किल नहीं है, ठीक है। तो रिज्यूमे जो हम जॉब करने जाते हैं वहां पर अगर हमारे पास स्किल्स और डिफरेंट, तो वहां पर हेल्प करता है, और एक्सपोजर तो हमें देता ही है। अब ये एक्सपोजर क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये एक्सपोजर क्या है। अगली अगर हम साइड पे चले तो 3 चीजें हैं। पहली बात तो कोई भी स्किल सीखने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो पॉसिबिलिटी, कि हम सबसे पहले तो ये माने ना कि मुझे अगर कुछ करना है, है ना, मुझे कोडिंग सीखनी है फॉर एग्जांपल, मुझे अपना एक सॉफ्टवेयर या मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी है और मैं खुद से बना सकता हूँ, तो पहले तो ये यकीन होना चाहिए कि पॉसिबल है, जो कि अभी हमने देखा ड्राइंग में, कार्टून ड्राइंग में पॉसिबल है सीख पाना। कुछ स्किल्स को हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए सीखने में, बट पॉसिबिलिटी तो है। सबसे पहला स्टेप यही है कि हम ये माने कि पॉसिबल है। दूसरा है कि हम अपने रोल को समझें। ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हमारा दोस्त क्योंकि कोडिंग सीख रहा है तो हम भी चले गए सीखने, और फिर हमें पता चलता है कि कोडिंग सीख के कंप्यूटर पर 12 घंटे बैठ के काम करना पड़ता है, जबकि हमें तो ऐसा काम पसंद हो सकता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा एक ही जगह पे बैठना ना पड़े, है ना। ऐसा काम हो सकता है कि हमें चलना पड़े या हम एक जगह से दूसरी जगह जाए, लेकिन कोडिंग क्योंकि हमें, मेरा दोस्त कर रहा था और मैंने कर ली, तो अब मैं 4 साल बाद
कंप्यूटर के सामने 8 घंटे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोडिंग करना बुरा है, जिसको उसमें मजा आएगा, जिसको वो करने में मजा आएगा, उसको वो 12 घंटे नहीं लगेंगे, उससे ज्यादा उसमें बैठेगा। बट अपना रोल पता होना चाहिए और फिर डिफरेंट स्किल्स का हमें आइडिया होना चाहिए, उसका एक्सपोजर होना चाहिए, उसमें ट्राई आउट किया हुआ होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी हमने देख ली, करके देख ली कि पॉसिबल है एक स्किल को सीखना। हम अगले पे चलते हैं, अंडरस्टैंड योर रोल, कि हम अपने रोल को कैसे समझ सकते हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल और आई एम पॉसिबल हमने देख लिया। नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो नो योर रोल, कि हमें अपने रोल के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस चीज में अच्छे हो, है ना, और कैसे इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। किसी कोई और कर रहा है इसलिए अगर मैं साइंस करूं तो मुझे मतलब वो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है, या कोई और कुछ कर रहा है वो YouTube पे अपने गाने अपलोड कर रहा है तो उसको देख के मैं गाने अपलोड करूं तो उसमें मुझे मजा नहीं आने वाला है, ठीक है, तो कैसे इसको पता करें। नेक्स्ट में एक फिर से एक्टिविटी करते हैं। मैंने कहा था कि ऐसा बहुत लेक्चर नहीं रहेगा, तो हम एक जंगल बनाते हैं, ठीक है, एक जंगल बनाते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर आप जंगल में बहुत सारी चीजें नहीं बना सकते, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप कहो कि जंगल में ट्राइबल्स होते हैं, है ना, जो कबीली लोग होते हैं, कबाइली लोग होते हैं, मैं उनको कैसे बनाऊं, तो आप लिख सकते हो ट्राइबल, है ना, आप पेड़ तो बना सकते हो, आप पेड़ बना लो, आपको लगता है कि जंगल में हाथी होता है और आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग अभी हाथी आप बनाओगे तो नहीं बन पाएगा, तो आप लिख लो एलिफेंट, ठीक है, बट आप कोशिश करो कि कुछ कुछ चीजें जो आप बनाओ, मतलब बहुत आपको कुछ किसी को दिखाना नहीं है, बट अगर आप ऐसा भी हाथी बना के लेके आओगे, है ना, तो कोई आपसे सवाल नहीं पूछने वाला, कोई आपको नंबर नहीं देने वाला है, आप ऐसा भी हाथी बना के ला सकते हो। बट टास्क क्या है, आपको जंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, और जितना आप सोच सको कि एक जंगल में क्या क्या होता है, ठीक है, कुछ कुछ तो कॉमन चीजें होती हैं, पानी और पेड़, है ना, ये तो कॉमन चीज है, जानवर, लेकिन आप कितनी डिटेल में एक जंगल के बारे में सोच सकते हो, कितने डिटेल में आप एक जंगल में जा सकते हो, वो हम अगले 5 मिनट, है ना, 5-6 मिनट अगले हम ट्राई करते हैं। किसी का कोई सवाल हो, अगर उसको समझ में नहीं आया हो या क्लियर नहीं हुआ हो कि हमें क्या करना है, तो वो पूछ सकता है। कई लोगों ने हैंड रेस किए थे, आलोक ने और कुछ लोग थे, अगर अभी सवाल ले सकते हैं तब तक, और लोग बाकी लोग जंगल ड्रॉ करें। बिल्कुल, जो ड्रॉ जिनके हैं सवाल वो ले सकते हैं, बाकी तो अपना शुरू कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं डिटेल में कि एक जंगल में क्या क्या होता है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 5:43 और हम ठीक है 6-7 मिनट लेते हैं, तो 5:50 पे इसको एंड करते हैं। कई लोगों ने कहा है, कई लोगों में विकास जी ने कहा है कि आप एक मतलब इसका कोर्स कर सकते हो, ना सकते हो तो, कि कार्टून सीख सकें सभी लोग। अच्छा था, कार्टून्स अच्छे हैं, अगर कार्टून्स लोग बनाना सीख सकते हैं तो उसके आधार पे कुछ कहानियां बना सकते हैं। तो विकास जी, हम लोग फिर से, हमें लगता है कि इस बीच में अभिषेक जी को लेके आएंगे कि कार्टून्स पे 3-4 सेशन हो, जिससे जो लोग जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो अपनी फील्ड में जाकर के और कार्टून्स बनाएं और उसके साथ कहानियां लिखें, स्टोरीज बनाएं, है ना। तो अभी समय है अपने स्किल्स डेवलप करने का और इसीलिए ये सेशन रखा भी गया है, और इस जो अभी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद हमें लगता है कि और आपके अंदर ऊर्जा आने वाली है। बिल्कुल, विकास सर हमेशा ही मतलब मोटिवेट करते रहते हैं।
विकास सर खुद इतनी सारी चीजें करते हैं ना कि वो मतलब सबसे पुश करते हैं कि वो भी करे। जी जी न्यूटन का एक है कि भैया अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं और वो किसी को दिखाते तो हंसने लगता है क्योंकि हम उतना अच्छे से नहीं बना पाते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर मन नहीं करता है बनाने का। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप भी जब सीखे होगे तो कुछ, हमें लगता है कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा, तो जरा न्यूटन को अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर करें। ऐसा स्टार्टिंग में होता है न्यूटन की, मतलब जब बहुत स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, बट अब तो ऐसा हो गया है कि ठीक है, मतलब वो हो गया कि अब फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ ऐसा स्टार्टिंग में जब हम बहुत शुरू में कुछ सीखते हैं, और मैं अभी भी देखता हूँ कि मैं अगर ड्राइंग बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स है मैंने बताया 20 दिन पहले ही शुरू किया है ना, ऐसा मैं बहुत महीनों से या सालों से नहीं कर रहा हूँ, तो कभी कभी मेरी बहन जब आती है तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि अरे वो मतलब अभी, क्योंकि मैं फाइनल बनाने से पहले अपने ऐसे ही कॉपी में कुछ कुछ ऐसे बनाया करता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे वो मतलब देख ना ले या देख रही है तो क्या सोच रही होगी, है ना, तो मतलब ये ख्याल आते हैं, बट फिर वही उसका सोल्यूशन यही है कि हम मतलब करते चले जाएं, और जब करते चले जाएंगे तो फिर अपने आप ही वो बेहतर हो जाएगा। मतलब अगर हम वो पहली बार में रुक जाएंगे जब हमें भी पता है कि हमें नहीं सही बना है, तो शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जब वो मतलब खुद हम तारीफ कर पाए। हुआ क्या कि जब हम वर्कशॉप करते थे तो एक बार हमने एक मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करना था, और वो मैग्नेट को हमने हाथ में लिया, कई सारे शिक्षक बैठे थे, करीब 40-50 लोग होंगे, और हमने बस एक सेंटेंस बोला, उसके बाद मुंह से आवाज ही निकलना बंद हो गई। अब हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बोलें, वो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत डाउन हो गया और वो हुआ ही नहीं, तो वो तो बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, वो था जब पहली बार या दूसरी बार हमने शायद किया था, तो आप अगर अपने स्किल्स हमें लगता बढ़ाते रहते हैं तो आप खुद भी, क्योंकि आप खुद अपने को जज कर सकते हैं कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। जैसा अभिषेक भैया ने कहा कि उन्होंने जब शुरू किया था तो उनको लगता था कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन अब वो खुद जज कर लेते हैं कि देखो 20 दिन में उन्होंने एक अच्छी ड्राइंग करने लगे, है ना। अगर कोई और सबसे हमें लगता है इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप कुछ कर लेते हैं तो अगर दूसरों को सिखाने लगते हैं, है ना, उस ट्रेनिंग या दूसरों को बताने लगते हैं, तो और जल्दी हमें लगता है कि सीखने को मिलता है। अभिषेक जी, हमें लगता है इससे आप यकीन करते हैं क्या इस बात पे? बिल्कुल बिल्कुल भैया, इस सेशन के लिए मतलब कितनी सारी चीजें मुझे पहले खुद ड्राइंग बनानी पड़ी, तो मेरा खुद का हाथ मतलब वो तो पेन से बनाते थे, अभी मार्कर से भी सेट हो गया इस सेशन के लिए। जी तो ये तो है ही कि अपने स्किल्स सभी लोग बढ़ा सकते हैं ना, अगर घर पे हैं, और ये स्किल्स हमें लगता है कि बहुत अच्छी है, मतलब लोग घर पे रहते हुए और ये बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं, और ये कार्टून का ही सिर्फ सेशन नहीं है, हमें लगता है कि आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने सेशन रखा ही क्यों, क्योंकि घर पे रहते हुए बहुत सारे लोग तनाव में हैं, बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ सकते हैं ना, हर समय ऑनलाइन जूम पे अपनी फिजिक्स की किताब नहीं पढ़ सकते हैं, वो टीचर्स जो पढ़ाते हैं, तो हमें कुछ अलग करना होगा जो नयापन लाएगा, है ना, तो वो नयापन के लिए हमें लगता है कि ये है, और सारे लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं मैसेजेस में कि बहुत अच्छा सेशन रहा, है ना, न्यूटन ने कहा, और अपनी फीलिंग्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू न्यूटन, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी फीलिंग्स को अगर ड्रॉ करने लगे तो आप वाकई बड़े वो सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं पुष्पेन जी, हमारे शिक्षा सोपान के कार्यकर्ता हैं 12 फरवरी में। सीमा जी ने कहा है इंटरेस्टिंग सेशन, डॉक्टर प्रभाकांत मिश्रा जी हैं SSDC डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा काम है, वहाँ पे उन्होंने बॉटनी के कई सारे जो पौधे हैं वो लगाए हुए हैं, बॉटनिकल गार्डन बनाया हुआ है, तो प्रभाकांत जी भी तारीफ कर रहे हैं आपकी, सेशन अच्छा चल रहा है। हमें लगता है 4-5 मिनट हो गए हैं, अगर लोगों ने कुछ किया हो तो हाँ, अब हम सुन सकते हैं, तो एक एक करके आ सकते हैं, है ना, या फिर आप उस पर भी लिख सकते हैं चैट पे, और भैया पढ़ के बता सकते हैं कि क्या है आपके जंगल में, आपने क्या क्या बनाया हुआ है,
देखते हैं कि कितनी डिटेल में जंगल में यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, कोई अगर बोलना चाहे आके तो बोल भी सकता है। हाँ, कोई अगर बोलना चाहे तो, लेकिन एक एक करके, और अगर चैट पे जाना चाहे तो चैट पे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, क्या है जंगल के अंदर? कोई मनीष कुमार जी हैं, कह रहे हैं कार्टूनिस्ट बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है ना, तो ट्री माउंटेन एलिफेंट। ठीक है, एक एक करके, तो हमारे जंगल में माउंटेन है, ठीक है, और पेड़ है, यानी पेड़ बना एलिफेंट, और क्या है, एलिफेंट है, एलिफेंट है, एलिफेंट बना देते हैं। मतलब मेरी एलिफेंट की ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट समझ जाओ, पूंछ छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, रिवर है, हाँ रिवर है, फिर उसके बाद बहुत सारे पक्षी, माउंटेन, रिवर, सन, ट्रीज, फिशेस, बहुत, एक एक करके भैया बनाने हैं। ठीक है, तो ये चिड़िया बन गई, सन है हमारा, है ना, सन हो गया हमारा, सूरज है हमारे जंगल में, बढ़िया, और क्या है, फ्लावर्स हैं, फिशेस हैं, फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं, पॉन्ड है कहीं पे, पॉन्ड है, एक छोटा सा तालाब है हमारे जंगल में, फिशेस हैं उसमें, ठीक है, फिश बना देते हैं, बर्ड्स हमने बनाई है क्या, हाँ बर्ड्स बना लिए, हाँ ये बर्ड्स हो गए, डियर, डियर लिखा है किसी ने, अजय ने डियर लिखा है, डियर वो बारह सिंगा वाले ऐसे बना देते हैं, हाँ ठीक है, ये विवेक गौतम जी ने कुछ बनाया है चित्र, शायद मंकी का दिख रहा है वो, माउंटेन बन गए हैं, क्रो बनाए हैं, कौवे हैं उसके अंदर में, लोमड़ी है, ठीक है, जानवरों के अलावा, जानवर मतलब हमें स्पेसिफिक अब जानवर नहीं देखेंगे, अब वो मछली भी बना दी है, फिश, मछली हो गई है, पेट्स वगैरह, ठीक है, ह्यूमन है, बढ़िया, बर्ड्स ये सब हो गया, वॉटरफॉल, इंसेक्ट्स, मंकी, स्टोन्स भी बन गए, स्टोन्स हैं, हाँ मतलब बना सकते हैं, भी बन जाए। और घर भी है, अतुल जी कह रहे हैं हमारे घर भी बना दीजिए, एक ह्यूमन भी किसी ने लिखा था कि इंसान भी है तो इंसान बना लेते हैं, इंसान बनाइए, क्लाउड्स, और क्या उन्होंने बनाया कि क्लाउड्स भी होंगे जंगल, क्लाउड्स है बहुत जरूरी है, बगैर क्लाउड्स के तो जंगल मतलब हो ही नहीं सकता, रेगिस्तान, एक शेर भी बना दिया है, हाँ ठीक है, जानवर अब हम स्किप करेंगे, सी है जंगल में, सी है जंगल के अंदर, शेयर विद ऑल माय स्कूलमेट्स दैट आई कैन डू इट टुडे, ओके सर, थैंक यू, ठीक है, और क्या क्या है, बहुत कम चीजें आई हैं जंगल में, इससे बहुत ज्यादा चीजें, डॉग मतलब ठीक है, डॉग ये सबसे जानवर, जेब्रा, जानवर से आगे निकले, वॉटरफॉल्स तो बना ही दिया है, वॉटरफॉल्स तो दिख ही रहा है, बिल्कुल, और क्या क्या हो सकता, पेट्स, लॉयन, इंसेक्ट्स, बहुत बहुत अच्छी चीज है, इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि छोटा बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, बट हमारे जंगल में इंसेक्ट्स होते हैं, और क्या होता है, ग्रास भी लिखा है, वॉटरफॉल तो है, ग्रास होती है, ठीक है, इधर ग्रास है, और क्या होता है, ज्ञानेंद्र जी अपनी एक कॉपी दिखा रहे हैं, और क्या होता है, जंगल को अगर हम सोचें कि एक जंगल में क्या क्या हो सकता है, है ना, और ये आएगा अभी, इसीलिए पूछ रहा हूँ और इसीलिए समय दे रहा हूँ और इसीलिए आंसर अभी और भी चाहिए, क्योंकि अभी जंगल मतलब ये तो ये जंगल अभी है ही नहीं देखा जाए तो, ये तो मतलब सिर्फ ऊपरी जंगल हमने तैयार कर, स्नेक और एक आप बना दीजिए, स्नेक अगर आपको बनाना, ठीक है चलिए स्नेक बना देते हैं, बट जानवरों के अलावा क्या कुछ नहीं होता क्या जंगल के, ह्यूमन जानवरों के, न्यूटन ने कई बार लिख दिया, रॉक्स आ चुका है, क्लाउड आ चुके हैं, क्लाउड हो चुका है, सॉयल रॉक रॉक है, यहाँ रॉक लिख देते हैं, रॉक लिखा हुआ है, ढेर सारी घास लिखी है विवेक सक्सेना सर ने, घास भी है बन चुकी है, और क्या क्या होता है जंगल में सोचिए सोचिए, वर्मा सर लिख रहे हैं नक्सल्स बहुत बढ़िया बात है, होता है क्योंकि ये रियलिटी है, मतलब हम हमेशा मतलब हमें क्योंकि बनाना है और हमें सोचना है कि जंगल में क्या होते हैं, तो नक्सल्स होते हैं, ठीक है, तो हम नक्सल्स बना सकते हैं, रोड रिवर लिखा है, रोड होती है, रास्ता होता है जिसपे काफी सारे जो जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, आपने अगर फोटोज देखे होंगे, तो रोड होती है, हम रोड बना सकते हैं, ठीक है,
तो अभी धीमे धीमे आएगा वो, आप डिटेल्स में पहुंचोगे, आप चिंता मत करो, बट रोड आ गई। और क्या होगा जंगल में? एक आदमी जो वुड काट रहा हो ऐसा करके लिख रहे हैं, लकड़ी, कटी हुई लकड़ी है ना, कि हमेशा पूरा पूरा पेड़ नहीं होगा, कटी हुई लकड़ियां भी होंगी, पेड़ ऐसे गिर गया होगा और आदमी ही हो सकता है काट रहा हो उसको, ठीक है। तो बढ़िया, और क्या होगा? ड्राई केव, ये काफी सही है, केव होगी, केव होगा, यहाँ पे केव बना देते हैं, ठीक है, ये केव हो गया। ड्राई लीव्स किसी ने, मैंने अभी देखा लिखा हुआ है ना, सूखे पत्ते। शेखर सिंह है, वो कह रहे हैं सर मास्क बना दीजिए। ग्रास हॉपर, सूखे पत्ते आ गए, मंकी, जानवर अब नहीं बनाएंगे, जानवर काफी सारे आ गए हैं, न्यूटन भूस्ट जानवर के अलावा, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई किसी ने लिखा है, बिल्कुल, तो बटरफ्लाई होती है। और क्या होता है जंगल के अंदर, क्या होता है अगर हम एक जंगल को सोचें? लिजार्ड्स और ये सब, फ्रॉग्स, हनी बी होती है, हनी बी, बिल्कुल, यहाँ पे exactly. यहाँ पे हम एक हनी का वो बना सकते हैं, और यहाँ पर टूरिस्ट भी लिखे हैं, टूरिस्ट भी होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, बहुत सही मतलब, बात है कि हमारे जंगल में टूरिस्ट भी जाते हैं घूमने, क्योंकि रोड है तो रोड बनी हुई है तो रोड पे गाड़ियां भी होंगी, जीप है ना, लिखा है किसी ने जीप, गाड़ियां होंगी क्योंकि रोड है, और क्योंकि रोड है, योगेश जी कह रहे डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर भी होता है जानवरों के लिए, अगर सन्यासी भी होते हैं, बिल्कुल, ट्रैफिक पार्किंग भी होती है, बाबा भी होते हैं ट्रैफिक, बिल्कुल, और आदिवासी यहाँ पे बना दिया था, ये ट्राइबल्स हैं, उनके घर है ट्राइबल्स के, आदिवासियों के, जी बोल रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है, नर्सरी होती है, फॉरेस्ट पुलिस होती है, आग होती है, हवा होती है, आग लेती है, आग तो बिल्कुल बहुत भयावह है, और होती है क्योंकि ये रियलिटी है, मतलब जंगल में आग तो होती है, तो हम आग भी ऐसे करके थोड़ा सा, मतलब आग भी दिखा देते हैं अलग इससे, कि जंगल में ऐसा, जंगल में सिर्फ पहाड़ या नदी या चिड़िया है ना या जानवर ही नहीं होते, जंगल में आग भी होती है, ठीक है। और क्या होता है? टेम्पल, अभी अभी बहुत कुछ, डेंस ट्रीज, टेम्पल, सिक्योरिटी वायर, टेम्पल, और वॉटरफॉल, मतलब टेम्पल मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये इस घर की कैटेगरी में कुछ, कंस्ट्रक्शन और पार्किंग ये सब इसी में आ जाएगा, पार्किंग, फ्रूट्स, एक फ्रूट्स होते हैं, नट्स लिख दिया है, रिवर फ्रूट्स होते हैं, पुल भी होता है, रिवर है तो उस पे पुल होगा, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स होंगे इस पे, ठीक है, मुझे लगता है कि काफी कुछ हम लोगों ने, जंगल के अंदर काफी कुछ हमने देख लिया कि और क्या क्या होते हैं, है ना, और भी अगर हम सोचेंगे तो हमें और भी बहुत सारी चीजें हमारे इस जंगल में मिल जाएंगी, माइनिंग भी हो रही होगी कहीं पे, है ना, कहीं पे तस्करी भी हो रही होगी, कुछ लोग किसी राइनो को हो सकता है मार दिया हो किसी ने, और उसके जो है ना टस्क होगा उसको लेके वो भाग रहे होंगे तस्कर, जो जो गैंडे के सींग को काटा जाता है ना, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जंगल के अंदर चलती रहती हैं। अब ये पूरा हमने क्यों किया और इतनी जंगल पे मेहनत क्यों की? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जंगल में है वही बाहर की दुनिया में है, इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ, और अब जो हमारा मेन मुख्य डिस्कशन है इस पे, उस पे आते हैं। कोई भी हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, हम सूरज ले लेते हैं, ठीक है, हम सूरज को ले लेते हैं। अभी अगर हम सूरज को देखें तो अगर हम सिर्फ इस पूरे जंगल में से, सिर्फ सूरज को हटा दें, ठीक है, तो क्या ये जंगल रहेगा? नहीं रह सकता, है ना, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फिर पूरी पूरी साइकिल रुक जाएगी, जो फोटोसिंथेसिस होना है, जो हम कह रहे हैं पेड़ होगा, लेकिन अगर सूरज नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा तो फिर जानवर यहाँ पर नहीं होंगे, पूरा का पूरा बंजर इलाका होगा, और बंजर इलाका होगा तो हो सकता है कि नदी ना हो और जीवन ही ना हो, अगर सूरज ना हो तो फिर जंगल तो बहुत दूर की बात है, जीवन भी ना हो, ठीक है। तो सूरज इस पूरे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, ड्राई लीव्स, अच्छा ठीक है, ड्राई लीव्स से पहले कुछ और इजी सा देखते हैं, हम फल को देख लेते हैं, ठीक है, हम फल को देख लेते हैं। मान लीजिए कि आज के टाइम पे एक जंगल है और वहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, लाखों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन
कुछ ऐसा होता है प्राकृतिक या मैन मेड मनुष्य की तरफ से कि उस जंगल में किसी भी पेड़ पे फूल लगना, फल है तो फल से पहले फूल होंगे, है ना, फूल लगना और फूल से फल लगना बंद हो जाए तो क्या होगा? कोई बताना चाहेगा कि अगर फल किसी भी पेड़ पे ना लगे, फूल ना लगे, तो क्या होने वाला है लॉन्ग टर्म में, क्या होने वाला है उस जंगल का, और क्या काम है मतलब उस फल का? या अगर बिल्कुल, किसी ने लिखा है कि खाना नहीं मिलेगा, जीवन नहीं होगा, बढ़िया, और क्या होगा अगर फल को हम इस पूरे जंगल में से गायब कर दें, और क्या चीजें हो सकती हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि खाना नहीं मिलेगा जानवरों को, जो फल पे जिंदा रहते हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, और क्या चीजें हो सकती हैं? एनिमल डेड, एनिमल मतलब जानवर मर जाएंगे, हाँ जानवर मर जाएंगे अगर एकदम से फूल फल निकलने बंद हो जाए। जैम नहीं मिलेगा कह रही है काजल, जैम नहीं मिलेगा, स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएगी, वो पूरा का पूरा पेड़ का जो अगर है वो जंगल, अगर पूरे ही सारे ही पेड़ों में आ रहा है तो पूरा पूरा जंगल ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो बीज है इसके अंदर, क्योंकि ये फल क्या है, फल होता है बीज, है ना, तो वो अगर बीज नहीं होगा तो बीज ना होने से क्या होगा कि वो दूर कहीं जानवर खाता है, तो एक तो जानवर को खाना मिल ही रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके जो बीज है उसको बिखराता हुआ चलता है, उसको जमीन में गिलहरियां अगर खा रही हैं तो उसको जमीन में गाड़ते हुए चलती है और उससे नए पौधे निकलते हैं, उससे नए पेड़ निकलते हैं। तो अगर फल नहीं होगा तो फिर तब भी फिर जंगल नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि सूरज के बगैर जंगल नहीं है तो एक छोटे से जो सीड है उसका फल के अंदर, उसके बगैर भी जंगल नहीं है, उसके बगैर भी उस जंगल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ कठिन लेते हैं, बादल, चले कठिन नहीं लेते हैं, बादल ले लेते हैं। बादल अगर नहीं होंगे, सूरज भी है, पौधे भी हैं, पेड़ भी है, हिरन भी है, बकरी भी है, पुल भी है, है ना, स्नेक भी है, नदी भी है और सब कुछ है, लेकिन अगर बादल नहीं है तो क्या होगा जंगल का? बादल किस काम में आता है जंगल में? बारिश नहीं होगी, नो रेन। और भी कुछ काम है क्या बादल का? और भी कुछ काम है क्या? एक तो बारिश हो गया, और भी कुछ काम है क्या बादल का? पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल, बिल्कुल, कि एक तो पानी देना ही है, लेकिन कई बार वो जब रेनी सीजन नहीं भी होता और उस वक्त भी बादल आ रहे होते हैं तो वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं किसी जगह का। अगर बादल हटा दे और सिर्फ सूरज ही सूरज है, सूरज जरूरी है लेकिन अगर सिर्फ सूरज ही सूरज है तो वो भी क्या करेगा, इस पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। तो बादल के भी काफी सारे लोगों ने, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, तो तब भी जंगल जंगल नहीं रहेगा। थोड़ा और अब टफ लेते हैं, सूखे पत्ते अगर ना हो, अगर जंगल में सूखे पत्ते नहीं होंगे, सूखे पत्तों का आपको क्या लगता है, क्या काम होगा सूखे पत्तों का? कुछ काम है जंगल में कि इनको हटा सकते हैं हम जंगल से? मैन्योर, खाद देते हैं, बरसात नहीं होगी, नमी कम हो जाए, खाद देते हैं, बढ़िया। और खाद के अलावा कुछ देते हैं? एक तो खाद देते हैं, और कुछ देते हैं? आग देते हैं, ठीक है, और कुछ काम है कि सिर्फ खाद और आग के ही काम में आता है? बैक्टीरिया का खाना, बहुत बढ़िया, कि जमीन जो है हमारी, सॉइल जो है, किसी ने भी जंगल में ये नहीं कहा कि वहां सॉइल होगा, किसी ने सॉइल रॉक कहा था शायद, है ना जी, बेस प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन साइकिल में कंट्रीब्यूट करता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्ते खाते हैं तो उनके लिए है, बहुत सारे जो छोटे कीड़े होते हैं वो अपने अंडे देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब खाने का ही उसका इस्तेमाल है, उसके नीचे वो रहते हैं, बहुत सारी चिड़ियाएं हैं जो पत्तों का इस्तेमाल करके, अपने सूखे जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाती है ना। जमीन पे जब ये बिखरे होते हैं, मतलब जो ये जमीन पे बिखरे होंगे तो क्योंकि एक कवर रहता है, एक लेयर रहती है, तो जमीन का भी टेम्परेचर, जो जमीन का मॉइस्चर है, क्योंकि पेड़ क्या कर रहा है, पानी ले रहा है जमीन से, और ये सूखे पत्ते एक लेयर बना के रखते हैं ताकि वो पानी उस जमीन से ना उड़ जाए, है ना, और अगर उड़ जाएगा तो फिर वही होगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी उस पूरे इकोसिस्टम में। तो हमें देख के लग रहा है कि सूखे पत्ते ही तो हैं, चल रहे हैं अगर उस पर तो आवाज आ रही है, लेकिन वो उस पूरे इकोसिस्टम को होल्ड करने में काफी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसका अपना एक रोल है। अंडे भी तो होते हैं, चिड़िया है तो चिड़िया के अंडे भी होंगे, है ना, अंडों का क्या रोल होगा जंगल में, कुछ रोल होगा अंडों का कि नहीं होगा, क्या लगता है अंडों का क्या रोल होगा?
बच्चे होंगे, बढ़िया एक आंसर आया कि उससे बच्चे होंगे। सांप के लिए वो भोजन है, बढ़िया, और सांप का भोजन हो गया एक, उससे नया जीवन उत्पन्न होगा, तो जो जीवन आगे चलने वाला है उससे वो जीवन आगे चलता रहेगा। ये दो चीजें हो गई कि किसी प्राणी का वो खाना बन सकता है, और प्राणी का मतलब इंसानों का, वो ट्राइबल्स है तो वो भी हो सकता है कि उस चिड़िया के अंडे खाते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर ही खाते हैं, है ना। बट उसके अलावा कुछ और फायदा खाना और जीवन के अलावा, लाइफ साइकिल, भाई लाइफ साइकिल, जीवन, अगला अगली चिड़िया आएगी, है ना, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी, जनरेशन ग्रोथ होगी। लेकिन इन दोनों के अलावा भी कुछ अंडे का आप फायदा सोच पा रहे हैं क्या? इन दोनों के अलावा कि जीवन होगा, बहुत बढ़िया। सचिन ने कहा है एम्प्टी शेल ऑफ एग क्या करेगा, सॉइल में कैल्शियम ऐड कर देगा, है ना। वो जो पदार्थ है वो कहाँ से आ रहा है जमीन में, वो आ रहा है आपका एग शेल से, जो बच्चे निकल गए, लेकिन जो बचा रह गया उसका भी काम है। ऐसा नहीं है कि बच्चे उड़ गए और जो एग शेल बचा उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर हम ले, है ना, उसके बहुत सारे काम हो सकते हैं उस एक एक इकोसिस्टम में, ठीक है। अब ये इतना बड़ा जंगल क्यों बनाया और इसके ऊपर इतना सारा डिस्कशन क्यों किया, तो भैया अगर हम स्लाइड पे चलें दोबारा से, अंडरस्टैंड योर रोल वाली जो हमारी स्लाइड है, अंडरस्टैंड योर रोल, इससे पहले बार, हाँ कौन सा था, हाँ, ये? नहीं, नो योर रोल वाला भैया, हाँ। तो अगर आप मान लो कि आप सन हो, है ना, अब सन का मतलब आप समझ सकते हो कि अगर हम, क्योंकि बच्चे हैं तो मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि वहां पे एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और प्रिंसिपल के अंदर ये स्किल है कि वो टीचर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, वो जो स्कूल एक चलाने के लिए और भी 50 चीजें होती हैं, है ना, बिजली का बिल भी जमा होना है, लोगों की सैलरी भी जानी है, किताबें भी हो जाएं सही से, क्लासेस चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, अटेंडेंस कैसी है ना, तो ये सारी चीजें उसको देखनी है। तो मान लेते कि वो अगर एक जंगल में सन की तरह है तो उसका अपना एक रोल है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट है तो उसका उस स्कूल के इकोसिस्टम के अंदर अपना एक रोल है कि वो कुछ कुछ चीजें करेगा। टीचर है उसका अपना एक रोल है, जो सफाई करने वाला है उसका अपना एक रोल है, ठीक है। तो ऐसा ही स्किल्स के साथ होता है कि आप अगर मान लो कि एलिफेंट हो, आपके अंदर एलिफेंट्स वाले स्किल हैं, आपका मन उन स्किल्स में लगता है, और क्योंकि आपका दोस्त है उसके अंदर कुछ और स्किल है, उसके अंदर वाटर की स्किल है, उसके अंदर पेड़ की स्किल है, उसके अंदर बर्ड्स की स्किल है, मतलब मैं एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको अपने रोल्स नहीं क्लियर हैं और आप सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं और चलो ये कर लेते हैं, तो फिर वही होगा कि जो पूरा जंगल है ना वो बिगड़ जाएगा। मतलब जंगल का मतलब आप जीवन से समझ सकते हैं कि जो पूरा जीवन है अगर आप अपने रोल पे नहीं डिसाइड कर सकते, है ना, तो फिर यही होगा कि वो जो जंगल है, सूरज भी अगर उससे हट जाएगा तो वो सूख जाएगा, उससे अगर सूखे पत्ते भी हट जाएंगे तो भी वो सूख जाएगा, अगर उससे फल हट जाएंगे तो भी वो सूख जाएगा, पानी हट जाएगा, बादल हट जाएंगे, कोई भी चीज हट जाएगी, है ना, तो वो सूख जाएगा या उस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके से वो हो सकता है। तो ये जो सबसे दूसरी चीज है कि अपने रोल को जानना, पहली चीज क्या है, सबसे पहले तो यही मानना ना कि हम सीख सकते हैं। अब जब सीख लिया, ये मान लिया कि सीख सकते हैं, तो फिर दूसरा स्टेप ये आता है कि अब क्या सीखें, कौन सी चीज सीखें या किस चीज को करने में मजा आता है। और तीसरी जो चीज होती है, तीसरी चीज हमारी होती है एक्सपोजर। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट के मेरे ख्याल से नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा भैया, कि एक्सपोजर टू स्किल, कि हमें अब क्या सीखें, ये भी हमें कोई ऐसा मतलब कहीं लिखा नहीं है ना, या हमारे प्रोग्राम तो है नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम तो है नहीं कि हमारे अंदर फीड है कि तुम ये सीखोगे, तुम ये सीखोगे, तुम ये सीखोगे। तो अब ये क्या सीखें और किस चीज में आगे बढ़ सकते हैं या क्या सीखना चाहिए, उसके लिए हमें अलग अलग चीजों का एक्सपोजर चाहिए। यानी कि हम हमेशा ढूंढते रहें, हम हमेशा नई नई चीजें सीखते रहें, और फिर एक टाइम आता है कि जब आप तो उस एज ग्रुप में पहुंचते हो या आप किसी जगह पहुंचते हो और आपको लगता है कि अब क्या किया जाए, तो आपके पास अगर सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि अच्छा मैंने सिर्फ यही दो चीजें सीखी हुई हैं, तो आप वही दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप 10 चीजें सीख के आए होंगे और तब आप उस स्टेज पहुंचोगे, तो फिर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे कि अच्छा ये ठीक है,
आठ जो चीजें थी वो ठीक ठाक थी और उनका मैं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इस्तेमाल करता रहूंगा, लेकिन ये जो दो चीजें हैं या ये जो एक चीज है इस पे मुझे आगे बढ़ना है, और ये जो बाकी आठ चीजें हैं वो भी मैं इन्हीं दो चीजों में इस्तेमाल करूंगा, अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा। तो ये एक्सपोजर काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पे भैया चल सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, एक नेचर हो गया अपना रोल, अपना नेचर, दूसरा स्किल हो गया और पॉसिबिलिटी हो गई, और फिर एक्सपोजर उस स्किल का। ठीक है, कि हम पहले तो अपने में देखें कि हमें क्या करना पसंद है, फिर वो हम कर सकते हैं इस पे बिलीव करें, और फिर उसको सीखने के कितने तरीके हो सकते हैं वो हम एक्सपोजर ले सकें। अब ये सबके लिए बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अमित भैया ने जिस तरीके से स्किल्स को सीखा होगा मैं उनसे पूछ लूं कि भैया आपने क्या क्या किया था, आप जब 20 साल के थे तब आपने क्या किया, आप जब 22 साल के थे तब आपने क्या किया, 25 साल में आपने क्या किया, 30 साल में आपने क्या किया, और फिर मैं भी वही करता रहूं, और हो सकता है कि मुझे उसमें मजा ही ना आए, या हो सकता है कि मेरी जो स्किल हो वो अलग हो और बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चले जाए। इसीलिए मैंने कुछ चीजें की और मेरे जो स्किल्स बढ़ाने में चीजें सहायक हुई बस मैं वो शेयर कर सकता हूँ। मतलब मैं आपको कोई गाइड नहीं दे सकता कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। मैं अगर कहूँ कि किताब पढ़ो और तुम्हें किताब पढ़ने में मजा ही ना आता हो, है ना, तो फिर नहीं पढ़ोगे, है ना। और अगर मजा नहीं आता और पढ़ोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपने मेरे लिए क्या चीजें काम की हैं वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट पे भैया चल सकते हैं। तो हाउ टू गेट न्यू स्किल्स, यहाँ पे मैंने लिखा भी है थिंग्स दैट हेल्प मी, मतलब वो चीजें जिन्होंने मेरी मदद की है सीखने में। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं या दूसरी चीजें भी सीख सकते हैं। सबसे पहली जो चीज थी वो किताबें थी, है ना। इस वक्त भी अगर मतलब मेरे डेस्क है ये, और इस पे भी अगर मैं अभी दिखाऊं तो मतलब ढेर सारी किताबें, मतलब ऐसा बंडल, एक साइड पूरा किताबों का बंडल रखा हुआ है, और हर महीने मेरी आदत है कि मैं पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, बट वो खर्च हो जाते हैं नई किताबें खरीदने में। तो किताबों का ऐसा है कि हम से पहले बहुत सारे लोग हुए हैं, है ना, और हजारों सालों में, जैसे ह्यून सैंग थे, तो उन्होंने 17 साल वो घूमे और 17 साल उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, समझा, सीखा, उसको लिखा उसके बारे में, और उसको जमा किया किताबों में। अब क्या हम 17 साल दे सकते हैं, है ना। एक और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि जो जो बुद्धा थे, है ना, गौतम बुद्ध थे, वो ऐसे 12 साल तपस्या करने में उन्होंने बिता दिए और फिर उन्होंने कुछ अपनी टीचिंग्स दी, है ना। तो जो गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उनको वो अपनी जो 40 साल में कर पाए होंगे, है ना, या अगर वो चार बार भी उस टाइम पे जब मतलब मोबाइल नहीं था, जब बरसात होती थी तो चार महीने के लिए आपको रुकना पड़ता था, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, रोड नहीं थी, इतने सारे तरीके होते थे कि जिससे आपकी जान जा सकती हो, क्योंकि गुफाओं में रहते थे और जंगल है वहां पे, है ना। तो जो वो चार बार भी अगर जन्म लेते, है ना, और ना कर पाते, वो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बट भैया कि कितने लोग उसको करते हैं। तो जो वो 400 साल लग जाते हैं उनको करने में, आज हम शायद 4 साल में वो सारी चीजें सीख सकते हैं। तो किताबें, जो लोग गलती कर चुके हैं या जो सक्सेस हो चुके हैं, उन्होंने कुछ कुछ चीजें लिख के छोड़ के गए हैं, है ना, तो उन किताबों को हम पढ़ के सीख सकते हैं, हमें वो 10 साल देने की या वो गलतियां करने के बात सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ सजेशंस है मेरे, क्योंकि इसमें बच्चे हैं। तो एक किताब है, नेक्स्ट अगर स्लाइड पे अगर हम चले तो वहां सजेशंस लिखे हुए हैं। एक है तोतो चैन, अभी है भी मेरे डेस्क पे, ये बहुत छोटी सी किताब है, मुझे पता है कि अभी आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, मैं बाद में दिखा दूंगा। तो तोतो चैन एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, असली कहानी है उसकी, और टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को पढ़नी चाहिए। और ये ऐसी किताब है जिसने जापान में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताब का रिकॉर्ड बनाया। मतलब ऐसा कहा गया कि जापान के हर एक घर में 2 से 3 तोतो चैन की किताब थी। क्यों? क्योंकि लोग खुद तो खरीदते ही थे, बट किसी को गिफ्ट देना होता था तो वो गिफ्ट में भी तोतो चैन दे देते थे, और इस वजह से एक ही घर में 2-2, 3-3 किताबें हो गई। बड़ी छोटी किताब है, मेरे ख्याल से 70-80-90 पन्नों की किताब है। बहुत जल्दी, मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट आएगा तो वो 2-3 दिन के अंदर पढ़ सकता है। और असली कहानी है, एक बच्चे की असली कहानी, कैसे उसको पढ़ाई करना नहीं पसंद था और उसके एक स्कूल से उसको निकाल दिया गया था, और फिर दूसरे स्कूल में गई तो वो स्कूल कैसा था, जहाँ पे वो एकदम आगे चल के यूनेस्को की ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया गया, वो बहुत बड़ी
फिल्म स्टार बनी और बुक तो लिखी ही लिखी थी फेमस. कनेक्ट द डॉट्स है, टेक मी होम, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है ना ये किताब. देवा स्वप्न भी थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है. ऊपर की तीन किताबें कह सकते हैं कि बच्चों के लिए. देवा स्वप्न थोड़ा सा टीचर्स के लिए है. इनको गुजरात के एक टीचर थे गिजू भाई करके, आजादी से पहले के समय के, और उस समय उन्होंने ये किताब लिख के गए थे कि कैसे स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए. तो ये एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है कि टीचर्स को पढ़नी चाहिए. देवा स्वप्न तोतो चैन हिंदी में अवेलेबल है और सेकेंड और थर्ड किताब जो है वो इंग्लिश में है. और मतलब ये मेरे सजेशंस हैं, लेकिन वही है कि एनी बुक ऑफ योर इंटरेस्ट. आपको अगर नॉवेल पढ़ना पसंद है तो आप तोतो चैन मत पढ़िए, है ना, आप नॉवेल्स पढ़िए. तो जो आपको पसंद है वो किताबों से शुरू कर सकते हैं. बट आइडिया ये है कि किताबों के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं. मतलब हम इस पे अब आ गए हैं ना कि हम स्किल्स कैसे सीखें. तो किताब एक माध्यम है, किताब एक तरीका है उन स्किल्स को सीखने का. नेक्स्ट पे, हाँ इससे पहले वाली स्लाइड भैया, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स. ऑनलाइन लर्निंग, हाँ बिल्कुल विकास सर ने सही कहा कि ये बुक्स अरविंद गुप्ता toys.com पे अवेलेबल है पीडीएफ में. तो अगर आप खरीद नहीं सकते तो आप पीडीएफ में अगर पढ़ना चाहें तो पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं. बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बट इन दोनों का मैंने, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो इन दोनों का मैंने अपना काफी यूज किया. एक और है नैपटल करके, जो इंडिया की वेबसाइट है और उस पर भी काफी कंटेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए हो जाता है कि जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनके लिए. बट इस पे आपको वैरायटी के कोर्सेज मिलेंगे. नेक्स्ट पे अगर चले, नाम है कोर्सेरा और एडेक्स. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो केमिस्ट्री में कुछ कोर्सेज हैं, तो आप फ्री में भी कर सकते हो. और अगर आपको बाहर की यूनिवर्सिटी, ये सारे कोर्सेज जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड है ना, या कैलटेक है ना, ऐसे मिशिगन, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज के, ऑक्सफर्ड, ऐसी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत लैंग्वेजेस में मिलेंगे. थोड़ा सा ये है कि इंग्लिश में मिलेंगे, तो अगर कोई बच्चा सिक्स में है तो वो थोड़ा रुक जाए. जो बच्चे 11, 12 में है और वो थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो अपनी इंग्लिश पर, जब इसको देखेंगे, इसके कोर्सेज को देखेंगे, तो भी उनकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. ऐसा नहीं है कि हम क्लास में ही बैठ के इंग्लिश सीखेंगे. हम कोई कोर्स करें जो इंग्लिश में हो और उसमें अपने आप को चैलेंज करें, तो भी हम इंग्लिश सीख रहे हैं. जो कोर्स है वो तो सीख रहे हैं बट इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और ऐसा करते करते हो जाएगा. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि केमिस्ट्री पे देखिए कोर्सेज हैं कि रिएक्शन एंड रेशियोज, नैनो टेक्नोलॉजी, और ये सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है. तो इन पे जाके हम वो कोर्सेज सीख सकते हैं. अगले पे अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चले, तो ये कोर्स है फिनिश अ केमिस्ट्री कोर्स इन अंडर 24 आवर्स, है ना, कि 24 घंटों के अंदर आप केमिस्ट्री का कोर्स खत्म कर लीजिए. तो केमिकल बायोलॉजी, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मतलब हाई लेवल के कोर्सेज हैं, उसको भी बड़े सरलता से, और जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रोफेसर्स ने कोर्सेज बनाए हुए हैं, है ना, स्ट्रक्चर्स एंड सॉल्यूशंस. तो ये एक तरीका है कि अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो आप वहां पे सीख सकते हो. नेक्स्ट पे चल सकते भैया. अब आप यहाँ पर अगर देखो, थोड़ा इसको जूम हो पाएगा क्या भैया, थोड़ा सा मोबाइल पे ये ब्लर आ रहा है, पर मैं अपने लैपटॉप से इसको पढ़ देता हूँ. कि आप अगर इसमें भी देखोगे, आप अगर देखो तो इसमें कुछ कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, है ना, और वो जो कोर्सेज हैं आप देखोगे कि बहुत डिफरेंट वैरायटीज के हैं. आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज है, बिजनेस पे है, कंप्यूटर साइंस पे 668 कोर्सेज हैं कोर्सेरा पे, है ना, डाटा साइंस जो अब आने वाले फ्यूचर में कहा जाता है कि डेटा एक बहुत बड़ा हथियार है, उसके ऊपर 425 कोर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग प्रोफेसर्स के. हेल्थ के ऊपर 471 कोर्सेज हैं, सोशल साइंस पे 401 कोर्सेज हैं, लैंग्वेज के ऊपर 150 कोर्स हैं, मैथ्स के ऊपर 70 कोर्सेज हैं, है ना. और कोर्स का मतलब एक कोर्स और उसके अंदर फिर ढेर सारे वीडियोज, है ना. तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा, एडेक्स, इनके ऊपर आप जाके काफी कुछ सीख सकते हो. और मतलब क्योंकि ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है इन प्लेटफॉर्म्स पे. नेक्स्ट पे अगर चलें, मेकिंग, एक चीज, क्योंकि मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, तो मेकिंग एक हमारे यहाँ ऐसा है कि जो मतलब जैसे भैया ने बताया कि मैं बहुत जगहों पे गया, बहुत स्कूल्स, ऐसे गाँव में भी गया जहाँ बिजली नहीं पहुंची थी, है ना, 10 दिन रहा तो बिजली नहीं थी, सोलर से चार्ज करके मोबाइल पूरे दिन भर में चला रहे हैं, और चार लोग हैं, चारों के मोबाइल लगे हुए हैं, तो वो 20% से कभी ऊपर पहुंचा ही नहीं 10 दिन के अंदर, है ना. तो वहां पे कैसे पढ़ाई हो सकती है, या गांव में हम साइंस को कैसे लेकर जा सकते हैं. तो मेकिंग
एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप बनाना शुरू करते हो कुछ भी बनाओ, है ना, छोटी छोटी चीजों से हम ऐसा हमेशा सोचते हैं कि हम बड़ी चीज ही बनाएंगे एकदम से, हम इंजीनियरिंग करेंगे और बड़ी ही चीज बनाएंगे एकदम से, बट अगर हमको छोटी चीज भी बनाने के लिए दी जाए तो मुश्किल आती है। और एक जो चीज मैंने बड़े उसमें देखा है कि शहर और गांव में डिफरेंस क्या आता है कि शहर में बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होगा, है ना, लेकिन उसके पास स्किल नहीं होगी। मतलब उसको ये पता होगा कि यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि तारों में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इधर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इधर करंट है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और फिर ये यहाँ पे ये बल्ब चल गया, या ये लाइट यहाँ से आ रही है और हम प्रिज्म रख देंगे तो ये साथ उसमें टूट जाएगी, है ना, और रेड इधर होगा, ब्लू इधर होगा, और ये विब्योर है। उसको मतलब थ्योरी थ्योरी सारी पता है, लेकिन अगर उसको कुछ बनाने के लिए दे दिया जाए, है ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएगा, बट अगर कंपेयर करें गांव के लड़के से, तो गांव के लड़के को अगर जो बड़ी बड़ी मशीनें खेतों में काम कर रही है, ट्रैक्टर काम कर रहा है, वो उसकी भी मशीन को खोल के अगर कुछ दिक्कत आ रही होगी, वो उसकी भी मशीन को खोल के कुछ जुगाड़ करके उसको पता है कि अच्छा यहाँ पन्नी बांध देंगे या यहाँ ये धागा लपेट देंगे तो ये चलने लगेगा, ये काम करने लगेगा। तो ये एक डिवाइड है कि शहर में बच्चों को कॉन्सेप्ट सारे पता है, थ्योरी पता है, बट प्रैक्टिकल वो जब 11th 12th में जाते हैं ना, तब वाइवा के दौरान वो लैब खुलते हैं, उससे पहले उनको मेकिंग का बहुत आदत नहीं होती, और गांव में उसके हाथों का स्किल बहुत ज्यादा है बच्चे का, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ। तो मेकिंग अगर हम करना शुरू करें, पढ़ने के साथ साथ बनाना शुरू करें, और बहुत सारे चैनल्स हैं, अमित भैया का ही चैनल है, उसको उन्होंने इतनी सारी वीडियोस डाल के रखी हुई है, अरविंद गुप्ता सर का चैनल है जहाँ पे हम बहुत छोटी छोटी चीजें बनाना सीख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मेरे सीखने में, है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसने प्ले किया, क्योंकि मुझे बनाने की आदत थी, यानी कि सिर्फ पढ़ लिया। नेक्स्ट पे अगर भैया चलें, टेड टॉक। अब ये टेड टॉक क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, इसमें भी एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये एक वेबसाइट भी है टेड करके, और यूट्यूब चैनल भी है, और इस पे जो दुनिया के अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या अपना पूरा जीवन उस पे लगा रहे हैं, वो क्या करते हैं, 10-15-20 मिनट की वीडियोस बना के इस पे डालते हैं। और अगर इससे पहले वाली अगर स्लाइड पे चलें, तो मेरे ख्याल से उस पे लिखा हुआ है कि इस पे 3,647 वीडियोज हैं आज की डेट में, है ना। हो सकता है कि आपको मेरे स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, आप जूम करोगे तो आपको दिखेगा, बट आज की डेट में टेड पे 3,647 वीडियोस पड़े हुए हैं। मतलब बहुत डिफरेंट है, आप बहुत सारी वीडियोस तो आप ऐसे ही सोचोगे कैसे, चलो टेड वीडियोस देखते हैं, और आपको सेकंड वाला नहीं पता है, नो योर रोल, है ना, कि ये 3,350 वीडियोस में मुझे कौन से वीडियोस देखने हैं, मुझे किन वीडियोस में इंटरेस्ट है, अगर वो नहीं पता है ना, तो फिर ये मतलब आप देखोगे और आपको कुछ भी दिखेगा, और आप कुछ भी देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं दुनिया में लोग, है ना। तो आपको क्या करना है, वो आपको क्लैरिटी अगर है, तो फिर यहाँ पर आपको हर एक कैटेगरी में बहुत सारे नॉलेज एक साथ मिल सकती है ना। आप बहुत चीजें बहुत जल्दी सीख सकते हो टेड टॉक्स, और बस ये है कि थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर है, इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में है लेकिन हिंदी में बहुत कम है, ज्यादातर इनका जो कंटेंट है ताकि दुनिया भर के लोग देख सके, इसलिए ये इंग्लिश में ही अपलोड करते हैं। तो इंग्लिश की अगर प्रैक्टिस करनी है और कुछ आइडियाज को सीखना है तो इस तो हम बिल्कुल देखें, और मतलब इतने वीडियोस और इतनी कैटेगरी के वीडियोस हैं कि मतलब आप पूरे जीवन भी देखते रहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। अगले में अगर चले भैया, तो ये जो मैंने अभी कार्टून बनाया, और विकास सर कह रहे थे कि कार्टून पे एक कोर्स हो सकता है, तो ये एक्चुअली है ना। मैंने वही कहा कि हम कई बार ये कहते हैं कि हम करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टेड टॉक है ग्राहम शॉ का, और ये आर्ट में इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, टेड टॉक दिए, मेरे ख्याल से 13 मिनट का कुछ इनका वीडियो है, पहला ही जो वीडियो आ रहा है, आप ये नाम डाल दोगे ग्राहम शॉ और टेड करके तो इनका वीडियो आ जाएगा। और 20 दिन पहले, मतलब ऐसे मैंने देखा बहुत पहले था, आज से 2-3 साल पहले, बट अब फिर से मेरे पास थोड़ा समय था और मेरा इंटरेस्ट था, तो 3 साल के बाद मैंने फिर से इनका वीडियो देखा और मैंने फिर से बनाना शुरू किया। तो मेरी अभी ड्राइंग किस लेवल पे है वो मैंने आपको दिखाई,
वो कुछ इस लेवल पे है. अभी आपको स्क्रीन पे तो ग्राहम शॉ दिख रहे होंगे. तो मतलब है, नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सीखना है, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि उसको सीखने के रास्ते क्या हो सकते हैं. तो टेक टॉक एक मतलब बहुत बेहतरीन तरीका है अगर आपको कुछ भी सीखना है. मतलब आपको रोबोटिक्स से लेकर के आपको फिलोसफी, आपको मैथ्स, आपको लैंग्वेज, आपको कॉमेडी, लोगों ने इस पे कॉमेडी के ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, है ना. हर चीज पे इस पे वीडियो है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी है उस चीजों के ऊपर. तो ये एक तरीका है. अगले पे अगर चले और हम कैसे स्किल्स को सीख सकते हैं, वॉलेंटियरिंग करके. तो अभी मतलब जो लोग सोपान से जुड़े हुए हैं उनके पास तो मतलब बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा कि वो वॉलेंटियर करें. जब मैं भी सोपान में सबसे पहले आया था 3 महीने के लिए सर के पास, तो मैं इंटर्नशिप करने के लिए आया था 3 महीने की, सीखने के लिए आया था कि सर 3 महीने के लिए आ रहा हूँ और देखेंगे क्या ही. मतलब अभी तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं आता था, मतलब साइंस कुछ कुछ किया करते थे, बट जिस लेवल पे आज साइंस कर रहे हैं वो नहीं था. बट वो इंटर्नशिप का एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक वॉलेंटियर करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिल गया, है ना. और अभी भी जैसे अभी ये ड्राइंग्स जो मैंने बताई, तो वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ अपने घर में बैठ के कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं. मेरी कोशिश अब हमेशा यही रहती है कि जो भी करें वो किसी के लिए करें. तो अगर आप मेरे चैनल पे जाके पिछले 2 वीडियोस देखेंगे, तो एक गांव में काम करने वाली संस्था है, मेरा गांव मेरी दुनिया, और मैंने उनके लिए वीडियोस बनाए. तो मतलब ऐसा नहीं था कि अच्छा 3 वीडियोस तो मैंने अपने लिए बना लिए, देख लिया कि कैसा बन रहा है, ड्राइंग्स अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, एडिटिंग कैसे करनी है, वॉइस ओवर कैसे करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, लूज स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, रफ स्केच कैसे बनाना है, फाइनल स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, वो सारी चीजें एक बार अपने आप 3 वीडियोस पे करके देख ली. बट जब मौका मिला तो 3 वीडियोस के बाद, ऐसा नहीं कि 10 वीडियोस करने के बाद या 100 वीडियो बना लेंगे या अपने चैनल पे करते रहेंगे. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गांव में काम कर रही है अभी कोरोना के ऊपर, और उनको मैंने ऑफर किया कि अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाना चाहता हूं, ताकि आपका भी जो मैसेज है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए. आप ऐसे लिख के भेजते हो, मैं आपके लिए 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा, वो ज्यादा लोग खोल के देख लेंगे. तो कैसे हम वॉलंटियर करें, इसके लिए कैसे तैयार रहे, और जो जो बच्चे सोपान से आसपास से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वॉलंटियर करने का ऑप्शन है. कि ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में वॉलंटियर करें, है ना. वो जब वर्कशॉप्स होती हैं साइंस की, वो वहां पे वॉलंटियर कर सकते हैं और करते भी, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं. बट कैसे इस पॉसिबिलिटी को और बढ़ाया जा सके कि एक हम खुद से ऑफर करें कि अमित भैया है वहां पे और बाकी लोग हैं, अतुल जी हैं, कैसे उनसे हम पहले से कहें कि भैया बताइएगा, है ना, हम ये कर सकते हैं, या अगर नहीं भी कर सकते हैं तो हम कोशिश जरूर करेंगे सोपान के साथ वॉलेंटियर करके या इंटर्नशिप करके, अगर वॉलेंटियर है या इंटर्नशिप ऑफर करना चाहें, है ना, तो वो कैसे करें. तो मतलब ये एक बहुत जरूरी हिस्सा रहता है कि आप अगर अपना कुछ कर रहे हैं या आप एक जगह पे कुछ कर रहे हैं, बट आप साल में 5 दिन तो ऐसा निकालो जब आप किसी और के लिए कुछ करो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए करो या किसी और व्यक्ति के लिए कुछ करो, और उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है. अगले पे अगर चले, हार्नेस पावर ऑफ कम्युनिटी. तो जो समुदाय है, मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि सब कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है, है ना. वही जंगल वाली बात आ जाती है कि अगर सब कुछ मैं ही करने लगूंगा, है ना, तो भी वो पॉसिबल नहीं है. तो कैसे हमारे पास जो कम्युनिटी है अभी, क्योंकि ये सोपान के लिए सेशन था, बट कुछ लोग बाहर से भी जुड़े हुए हैं और उनकी भी अपनी कम्युनिटी होगी. उनकी अगर टीचर से, तो बच्चों के साथ एक कम्युनिटी बनी होगी. अभी ये बोलते बोलते मुझे एक आइडिया आ रहा है. ना ना, अभी मत करो. अभी बोलते बोलते मुझे एक आइडिया आ रहा है कि अगर आपको वॉलेंटियर करना है, है ना, और आप जैसे अमित भैया, उनका चैनल है ना, तो एक वॉलेंटियर ये हो सकता है कि मैं उनके चैनल के लिए 10 साइंस के एक्सपेरिमेंट्स रिकॉर्ड करके भेजूंगा, है ना. और अगर मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा और दूसरे लोग देखेंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि कैसे वो रिकॉर्ड करना है. भैया मुझे गाइड करेंगे कि कैसे वो बोलना है वीडियो के अंदर, कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको कैसे प्रेजेंट करें, है ना. तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कोर्स करके ही सीखें या किताब पढ़ के ही सीखें. किसी के साथ जो काम कर रहा है उसके साथ इंटर्नशिप करके, या अगर कोई ऐसी जगह है जहां लोग काम कर रहे हैं, कोई समुदाय है ऐसा, कोई कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी के साथ हम
जुड़ के और कुछ कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी समुदाय की ताकत का इस्तेमाल करिए कि ठीक है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं कहानी बहुत अच्छी सुनाता हूँ, तो क्या मैं ऐसे दो लोगों को जोड़ सकता हूँ कि कोई मेरे लिए ड्रॉ कर दे और फिर मैं उसमें कहानी सुना दूं और फिर वो एक वीडियो बन जाएगा और फिर हम दोनों मिलके कुछ उसका करते हैं। तो ये भी एक है कि हमें सब कुछ मतलब इतना टेंशन नहीं लेनी है कि सब कुछ हमें ही करना है, हम दूसरों की मदद ले सकते हैं कि वो भी अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं हमारे साथ और हम उनके साथ। अगला ट्रैवल, तो ट्रैवल भी एक ऐसी चीज थी जो जैसे भैया ने बताया क्योंकि मेरा काम भी ऐसा था और मुझे मजा भी आता है ट्रैवल करने में, तो वो भी एक ऐसी चीज थी जो जिसमें मुझे बहुत सीखने को मिला। जैसे एक खेती का तरीका होता है गंगा मां मंडला, ठीक है, सर्कल में उस खेती को करते हैं। अब अगर मैं उसको पढ़ भी लेता उसके बारे में गंगा मां मंडला क्या है तो भी मुझे उतना नहीं पता चलता, मुझे बस उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती। बट क्योंकि मैं गया एक जगह पे जहाँ पे वो लोग गंगा मां मंडला के उस पे मॉडल पे खेती करते हैं और उनके साथ मैं दो हफ्ते रहा और मैंने भी वो खेती की और दो हफ्ते तक मैंने देखा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं उस पूरे दो हफ्ते में, तो मुझे वो अब भले ही ऐसा नहीं कि वो मैं खेती ही करूंगा है ना, बट मुझे पता है। और क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, मुझे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो मेरे पास ट्रैवल से कहानियां मिल जाती हैं सुनाने के लिए, तो सीखने को मैं तो मिलता ही है अपने लिए लेकिन उस सीखने का कहीं ना कहीं एक यूज भी हो जाता है। तो ये ट्रैवल भी मेरे सीखने के लिए, मेरे स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे काफी मतलब हेल्प किया। नेक्स्ट पे अगर भैया चले तो हम वापस आते हैं ह्यून सैंग की कहानी पे जहां से हमने शुरू किया था कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास आता और उनसे कहता कि 1300 साल बाद ऐसा वक्त आएगा जब इंसान कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश जा सकता होगा, चांद तक पहुंच जाएगा, उसके पास एक क्लिक पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि वो हर हफ्ते हर महीने हर साल कुछ नया सीख सकता है, तो ह्यून सैंग बहुत खुश हुए होंगे कि अरे ये तो मतलब चमत्कार ही हो गया होगा कि ऐसा भी कुछ होगा कि अभी किताबें हम कैसे ही लेके आ रहे हैं और 17 साल लग गए 100 किताबें लाने में और उसमें भी कितने लोगों की जान चली गई, हमारी खुद की जान की कोई गारंटी नहीं और आप घर पे बैठ के कुछ भी सीख सकते हो जो भी आपका मन करे सीखने का। और अगर उनसे ये कहा जाता तो वो यही कहते कि मतलब ये तो मतलब होना ही चाहिए, और अगर वो आज की रियलिटी देखते तो शायद आज मतलब उतना यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं जब देखता हूँ तो लोग पबजी या दूसरे जो सोशल मीडिया एप्स हैं या इन तरीकों की चीजों में ज्यादा रहते हैं, तो कैसे हम तीन चीजों पर फोकस करें, फिर से मैं बस सेशन क्योंकि एंड कर रहा हूं तो उसको दोहरा देता हूं। एक कि हम सीख सकते हैं, सबसे पहले तो ये बिलीफ होना, कई बार हम ये मान लेते हैं कि हम कार्टून नहीं बना सकते हैं, तो अगर हम ये मान लेते हैं तो ये स्किल की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे मान लेने की बात है। तो कैसे हम पॉसिबल ये देखें कि क्या क्या करना पॉसिबल है, इस पर पहले यकीन करें। दूसरा हम ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करने में मजा आता है ना, और वो कैसे होगा जब हमें बहुत सारी चीजें कर लेंगे, बहुत सारी चीजें किताबें पढ़ेंगे, कोर्सेस करेंगे, लोगों के साथ काम करेंगे, बातें करेंगे, है ना, जो भी हमें पसंद हो, जैसे अगर हमें गिटार बजाना पसंद हो तो बजाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें वो एक्सपोजर मिलेगा और फिर जो हमारा नेचर है ना, जो हमारा स्वभाव है और जो हमारे स्किल्स हैं वो अपने आप ही नर्चर हो जाएंगी। तो यहीं पे जो मेरा सेशन है, जो मेरा जो मुझे कहना था, वो सारी बातें खत्म होती हैं। आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, समय ठीक है, सिर्फ 5 मिनट में बाइंड अप करेंगे क्योंकि 6:45 पे एक दूसरा सेशन है जिसको गोविंद सर को देखना है, हम लोगों को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। एक दो सवाल तुरंत ले सकते हैं और कोई जो भी सवाल पूछना चाहे प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन सी। थैंक्स, काफी सारे आ रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन, वंडरफुल सेशन, सुपर्ब, तो बिल्कुल सही बात है। अगर सवाल है तो जरूर उस पर लिखें। योगेश जी ने लिखा है नाइस सर, सचिन थैंक यू, अभिषेक जी फॉर वंडरफुल सेशन,
तो हमें लगता है सवाल तो नहीं है क्योंकि इतना अच्छा सेशन हुआ है कि लोगों को नेक्स्ट क्लास कब होगी तो जल्दी होगी नेक्स्ट क्लास, अब की बार दूसरे कोई भैया के साथ होगा। भाग्यश्री ने लिखा है वेरी नाइस सेशन, थैंक यू भाग्यश्री। और बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पे हैं, थैंक यू अभिषेक जी। और हमें जो सेशन में मिला तो वो देखने को मिला कि हम अकेले ही इस दुनिया के लिए नहीं है, मतलब हम खुद अगर जीना चाहें तो नहीं है, जंगल जो है उसमें एक चीज अकेले के लिए नहीं है, तो हमें सबके लिए जीना है, समाज के लिए जीना है और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना, क्योंकि आप समाज के अंदर में तभी योगदान दे सकते हैं जब आपके पास स्किल्स होंगी। हमें वर्मा सर का हर समय एक उदाहरण आता है याद करके कि वो कहते हैं कि आईआईटी जेई जिसने पास कर लिया है ना, तो वो उसकी अकेले की मेहनत नहीं थी, है ना, वो स्टूडेंट जो वहां पे आकर के पढ़ाई करता है उसकी अकेले की मेहनत, वो पढ़ तो रहा है लेकिन साथ में सुबह जब जाता है तो मेस में उसको चाय और खाना ब्रेकफास्ट तैयार मिलता है, तो वो 4 बजे उठ करके मेस कर्मचारी जो है वो आपके लिए खाना बनाते हैं, वो दूध वाला सुबह 2 बजे उठ करके दूध निकाल करके और वो मेस में पहुंचाता है ना, तो उसमें फिर टिफिन आपके लिए लगता है, फिर उसके बाद जब आप घर वहां स्कूल जाते हो तो टीचर्स आपके लिए होते हैं, है ना, वहां सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी करते हैं, तो मतलब हर व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट है, हर व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट है, हर चीज में आपको उसके साथ जुड़े रहना है। तो इसके साथ आज हम एक ही मैसेज लेके जाएं जो अभिषेक भैया ने बताया है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब सीखने के साथ साथ हम अपनी स्किल्स बढ़ाएं, जो भी आपके पास है, जो भी आप कर सकते हैं उस स्किल्स को बहुत ऊपर तक ले जाएं और साथ में इस समाज के साथ जुड़े रहें, अपना वॉलंटियरिंग जरूर करें, जैसे अभिषेक भैया का चैनल है, मेरा चैनल है, शिक्षा सोपान है, अन्य बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, आप उनके साथ जुड़िए, है ना। अगर कोई अभी भी कुछ वीडियोस बनाना चाहे तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं अपने चैनल्स पर रखने के लिए, और मैं तो हमेशा जैसा भी वीडियो आता है उसको कट पिट करके डाल ही देते हैं चैनल पे, क्योंकि एक व्यक्ति का मोटिवेशन हो रहा है, एक व्यक्ति सोच रहा है कि हमने कुछ तो किया है, कुछ तो पॉजिटिव किया है ना। तो हमें लगता है कि अभिषेक जी को सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, सोपान परिवार की ओर से भी अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, हम लोग आगे और भी सेशंस करेंगे, अगर आपको ये सेशन, जैसे आप लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, फीडबैक तो यही मिल गया है, लेकिन हम चाहेंगे एक दिन रुक करके आप अच्छे से मेरे को व्हाट्सएप करें फीडबैक कि आपको क्या सेशन में लगा और आप और क्या करना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन हम अलग अलग इंडिविजुअल्स ग्रुप के लिए करेंगे, एक अभी सोपान ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था और अभी 2021 चल रहा है, तो 100 वर्ष पूरे हुए, 100 वर्ष पे पूरे होने पे सोपान अपने कार्यक्रम कर रहा है, तो जो स्कूल के टीचर्स इसमें जुड़े हुए हैं अगर अपने ग्रुप के लिए उस तरह के कार्यक्रम कराना चाहें तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करें, हम इस तरह के अन्य कार्यक्रम लेके आएंगे। इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और क्योंकि आपने बहुत पूरे समय बहुत धैर्यपूर्वक सुना है, है ना, बीच में कहीं भी किसी तरह की आवाज नहीं आई है, तो ये 80 लोग थे, बीच में 75 हुए, फिर 66 के आसपास, तो इतने सारे लोग एक साथ अभिषेक जी को ध्यान से सुन रहे थे, तो हमें लगता है कि ये सेशन वाकई बहुत काबिले तारीफ था। फिर से एक बार लास्ट में धन्यवाद कहेंगे अभिषेक जी को, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं, हम लोग फिर से जल्द से मिलेंगे, और आप फीडबैक अपने व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा, और अगर कोई आप सेशन अन्य करना चाहें तो वहां भी हम आपके साथ में हैं। पुनः एक बार धन्यवाद के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू।